prove that image of focus lie on directrix with respect to any tangent of the parabola y square is equal to 4ax. ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास क्या गिवन है कि अपने को फोकस का जो इमेज होगा कोई भी टेंजेंट के लिए, तो वो कहाँ पर लाई करेगा, वो एक डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा. ठीक है, तो अभी डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा, तो लेट्स से अपन यहाँ से इसको प्रूफ करें. मैं यहाँ पे इसके लिए डायग्राम बना दूँ सबसे पहले. ठीक है, अगर मैं डायग्राम बनाऊँ तो इन्होंने क्या बता रखा है कि इन्होंने बता रखा है कि अपने पास एक पैराबोला है. स्टैंडर्ड पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. ठीक है, अब ये अपने पास क्या है, ये एक्स एक्सिस होगा और ये जो होगा ये क्या होगा, वाई एक्सिस होगा. अपन ने पैराबोला ड्रॉ किया है वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax. ठीक है, और उसका अपन ने यहाँ पे, मैं यहाँ पे इसका फोकस रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ठीक है, तो फोकस क्या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ए कॉमा जीरो, और ये क्या है इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स है. इसके लिए डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर मैं बोलूँ तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है एक्स इक्वल्स टू माइनस है. ठीक है, डायरेक्ट्रिक्स इसके लिए क्या आ जाएगा, एक्स इक्वल्स टू माइनस है. अब अगर अपने पास ये आ गया इक्वेशन, ठीक है, अब अपन यहाँ से क्या कर सकते हैं, मैं इसके लिए अगर कोई भी टेंजेंट की बात करूँ, ठीक है, तो फोकस यहाँ पे पैराबोला क्या गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4ax, और ठीक है इसके फोकस एस क्या अपने पास गिवन है, ए कॉमा जीरो, और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अगर अपन देखें, तो यहाँ से अगर मैं डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन देखूँ डी से रिप्रेजेंट करूँ, तो डी क्या इक्वेशन क्या है, एक्स इक्वल्स टू माइनस है. अब अगर ये बोल रहा है कि कोई भी टेंजेंट, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एनी टेंजेंट, तो यहाँ पे अगर मैं वाई एक्सिस देखूँ, तो वाई एक्सिस इज टेंजेंट है इसके लिए, वाई एक्सिस इज टेंजेंट. ठीक है, तो वाई एक्सिस क्या है, टेंजेंट है. वाई एक्सिस के लिए अगर मैं इक्वेशन बोलूँ तो क्या होता है, ये एक्स इक्वल्स टू जीरो. ठीक है, एक्स इक्वल्स टू जीरो. अब इसके लिए अपने पास क्या आ गया, एक टेंजेंट है, फोकस है. अब इसका अपने को मिरर इमेज के लिए दिखाना है कि इसका जो मिरर इमेज होगा वो डायरेक्ट्रिक्स पे लाई करेगा. ठीक है, तो अब अगर अपन जानते हैं, अब मैं अगर यहाँ से बात करूँ, अपन जानते हैं कि अगर मैं ये इस लाइन को अगर अपन मिरर ले ले, ठीक है, ये इसके लिए क्या है, टेंजेंट है. अगर वो एक्सिस का अगर ये मैं यहाँ से मिरर ले लूँ, तो इसका जो इमेज होगा कितने डिस्टेंस पे, जो फोकस है उसका इमेज बिल्कुल ए डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस क्या है, ये ए यूनिट है. ठीक है, ये यहाँ पे ए यूनिट है, यहाँ से ए यूनिट पे इसका इमेज यहाँ पे बन जाएगा एक्स एक्सिस पे. ठीक है, तो इसको लेट से अगर मैं यहाँ पे इसका मिरर इमेज आई बोल दूँ, इमेज आई बोल दूँ, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, ए यूनिट डिस्टेंस पाएगा, ए यूनिट डिस्टेंस पाएगा, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आएगा, माइनस ए, और ये एक्स एक्सिस पे होगा तो वाई कोऑर्डिनेट जीरो. तो अगर अपन यहाँ से देखें तो जो इमेज आई आ रहा है, इमेज आई विद रिस्पेक्ट टू टेंजेंट एक्स इजिकल्स टू माइनस ए क्या आ रहा है, ये आ रहा है इज माइनस ए कोमा जीरो, और माइनस ए कोमा जीरो जो है ये क्या हो रहा है, लाई जो ऑन, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, लाई ऑन डायरेक्ट्रिक्स डी एक्स इजिकल्स टू माइनस ए. तो ये बेसिकली अपन सिंपली एक ये टेंजेंट लेके अपन प्रूफ कर सकते हैं. ठीक है, अब इन्होंने बोला कोई सा भी अगर अपन टेंजेंट ले, ठीक है, लेट से एक तो ये आ गया कि अपन एक्स यहाँ पे इसके वर्टेक्स पे टेंजेंट लेके प्रूफ कर सकते हैं. दूसरा टेंजेंट लेट से अगर अपन मैं यहाँ पे कोई सा भी अगर अपन टेंजेंट टी के रिस्पेक्ट में वन टी इजकल्स टू वन लेके अगर मैं इसके लिए टेंजेंट ड्रॉ करूँगा, तो उसके लिए भी इसका मिरर इमेज जो है वो डायरेक्ट्स पे ही लाई करेगा. तो अपन क्या बोल सकते हैं, हैंस प्रूव्ड. ये बेसिकली अपन ने सबसे ईजी वाला जो टेंजेंट है, इसके वर्टेक्स पे जो टेंजेंट है, यहाँ से अपन ने टेंजेंट के लिए मिरर इमेज देखा, तो इसके लिए कैलकुलेशन अपने को ईजी हो गया. बाकी अपन कोई सा भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, टेंजेंट की इक्वेशन अपने को पता होती है, टेंजेंट की इक्वेशन अपने को क्या पता होती है, वाई इजिकल्स टू एक्स अपॉन टी प्लस ए टी, और टी की वैल्यू अपन कुछ भी ले सकते हैं, टी की वैल्यू पुट करके यहाँ से टेंजेंट का इक्वेशन निकाल के फिर अपन उसका अगर अपन फोकस का मिरर इमेज ले, तो वो डायरेक्ट इस पे लाई करेगा. ठीक है, तो बेसिकली अपन ने यहाँ पे टी इजिकल्स टू जीरो पुट करके अपन ने प्रूफ किया है. ठीक है,